नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। जया बच्चन जी आजकल अपने बयानों और पेपराजी के साथ बिहेवियर के चलते सुर्खियों में छाई हैं। अब तो इन्होंने अपनी नातिन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जया बच्चन का कहना है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए फिजिकल अट्रैक्शन जरूरी होता है। दरअसल हाल ही में नव्या के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या पर जया बच्चन आई, जहां उन्होंने नव्या से खुलकर बातचीत की। इस दौरान जया ने ये भी कहा कि हमारे समय के दौरान हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके। एक रिश्ता प्यार, ताजी हवा और समायोजन पर नहीं टिक सकता। इन सब बातों के अलावा जया के एक बयान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कहा कि उन्हें नंदा के बिना शादी के बच्चा पैदा करने पर कोई परेशानी नहीं है। जया ने कहा, लोगों को मेरी इस बात से आपत्ति होगी, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन और कंफर्टेबिलिटी बेहद जरूरी होता है। हम अपने दौर में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सके थे, लेकिन आज के जनरेशन ऐसा करती है और क्यों ना करे, क्योंकि वो लोग भी जिम्मेदार हैं एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए। अगर वो लोग फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है तो उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है। आप प्यार और ताजी हवा और कंफर्टेबिलिटी पर टिके नहीं रह सकते। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कभी कभी ये अफसोस होता है कि लेकिन बहुत सारे युवा निश्चित रूप से हम सभी नहीं कर सके थे। हम सब इसके बारे में सोचते रह गए, लेकिन मेरे बाद भी युवा पीढ़ी, श्वेता की पीढ़ी नव्या की एक अलग वॉल गेम है, लेकिन वो इन सब से गुजरते वक्त अपने आप को दोषी महसूस करती है। मुझे ये गलत लगता है। यदि आपके बीच शारीरिक संबंध थे और आपको लगता है फिर भी रिश्ता नहीं चल पाया, तो आप इसके बारे में अच्छा कर सकते हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि समाज में ऐसी जो बातें होती हैं वो सही और गलत दोनों होती हैं। आपको क्या लगता है, ये बात जया बच्चन ने जो बोली है क्या वो सही है, क्या समाज के लिए ये बात सही है? बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।